आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई एम डी बी रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीग किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हिरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितंबर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा भी टी पे आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड लीडकास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोने लीवी पर या फिर ओवर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इन्जॉय जरूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पर घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक दोस्त दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टी वी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें यह है, काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे हैं तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितंबर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पे या फिर ओवड़ी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा सया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्धी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर् देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक दोस्त दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी खासकर जो नवाज़ सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकाश किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड लीडकास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओड के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर् देखने को मिलता है और सबीर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफ़ी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच कलसन घर में वो आईकसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक टोस्ट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे है और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी खासकर जो नवाजो सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीग किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हिरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितंबर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी पे आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओट के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय जरूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दगी आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर् देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफ़ी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच कालसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी वी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरन मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी खासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा जरूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को जरूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकाश किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पे या फिर ओटड़ी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर भी फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा सया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जहाँ के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक दोस्त दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये है, काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकाश किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी पे आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी वी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीव पर या फिर ओर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिल्म फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्धी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर् देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच कालीसन घर में वो ऐसा मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगी खासकर जो नवा सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसे लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीग किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हिरोपन और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी पे आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड लीडकास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टीवी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यक़ीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुलद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन की आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आस कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ सिया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक दोस्त दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये है, काफ़ी अच्छी लगेंगी खासकर जो नवाजो सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी वी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पे या फिर ओवर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एंजॉय जरूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पर घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें यह है, काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फ़िल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओवरडी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा सया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक दोस्त दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगी खासकर जो नवाजन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओड के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्धकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच कालचन घर में वो आईकसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जाँच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगी खासकर जो नवा सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसे लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक की इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा डेलीगस्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हिरोपन और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा भी टी वी पर आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टीवी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओवर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी वीमाटोग्राफ़ी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ सिया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जाँच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में पूछ दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लिव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें यह काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा जरूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीडकास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पे या फिर ओट डी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर भी फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉर्न मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी खासकर जो नवाज़ सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगी या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे हैं तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि 16 सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी ली की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी वी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोने ली पे या फिर ओर डी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालसन घर में वो ऐसा मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जाँच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगी खासकर जो नवा सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसे लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे हैं तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हिरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी पे आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड लीडकास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोने लीव पर या फिर ओटड़ी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिल्म फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल देखने को मिलता है और सबीर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफ़ी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच कालसन घर में वो आईकसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे है और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजो सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि तो जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीग किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी वी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पे या फिर ओवर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इन्जॉय जरूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पर घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्धी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो ख़ैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉर्न मूवीज़ देखते हैं इन्हें यह है, काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीव पर या फिर ओवड़ी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा सया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक दोस्त दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगी खासकर जो नवाजन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी ली पे या फिर ओर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन ख़ैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्धी आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच कालचन घर में वो आईकसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जाँच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टीवी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगे खासकर जो नवा सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसे लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हिरोपन और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा भी टी वी पर आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टीवी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओवर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफ़ी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक घर में वो आईकसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ सिया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लिव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें यह काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टीवी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक कि इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा भी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितम्बर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टी वी देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप जरूर देखिए आपको दोस्तों कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी वी पर आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी पर आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पे या फिर ओट डी के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर भी फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा सया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालिसन घर में वो एक सन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज़ को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक ट्विस्ट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉर्न मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा जरूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टी वी आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएँगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉरर मूवीज देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी 2024 की है और फिल्म के अंदर आपको हॉरर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टेन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है शेयर कर रहे हैं तो वैसे मैं आप इस मूवी को देखे हैं तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितंबर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टीवी पे आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि सोलह सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसी लगती है मुझे बताइए फिल्म के कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और श्रिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीव पर या फिर ओवर के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पे घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्धी आते हैं लेकिन क्या से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल देखने को मिलता है और सबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फिल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका टेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का सिया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है अब जांच के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और कैसे उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक टोस्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि क्या उस लड़की को सच में भूत दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टीवी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लीव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें ये काफ़ी अच्छे लगेंगी खासकर जो नवाज़ सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालाँकि भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यक़ीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएँगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे आज हम दोस्तों यहाँ पर एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा टीवी के ऊपर रिलीज़ हो रही है हालांकि ये मूवी एक बार तो टीवी पे आ चुकी है लेकिन अब दोबारा भी आ रही है तो इस फिल्म का हम रिव्यू करेंगे कहाँ पर कौन से टी चैनल के ऊपर आ रही है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर आएंगे या नहीं इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं तो अगर आप भी अगर हॉर मूवीज़ देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में जिसका नाम अद्भुत है ये मूवी दो की है और फिल्म के अंदर आपको हॉर और थ्रिल देखने को मिलता है और अगर बात करें अभी तक इसकी आई रेटिंग की तो वो टैन आउट ऑफ सेवन की है हालांकि बहुत ही कम लोगों ने अभी रेट किया है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है या फिर इसे दोबारा टेलीग किया जा रहा है तो फिर लोग इसे देख रहे हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे हैं तो वैसे में आप इस मूवी को देखे है तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी बात करें गूगल यूज़र की तो वहाँ से इस मूवी को नाइन्टी सेवन प्रतिशत लाइक मिले हैं अभी तक जो कि हालांकि बहुत ही ज़्यादा है इसके अलावा अगर बात करें फ़िल्म की और कुछ रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया आई है कुछ ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इन्होंने इसका रिव्यू किया है तो काफ़ी अच्छा ही बताया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साबिर खान ने जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने पहले भी हीरोपन थी और बाकी जैसी मूवी दी थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी अब दोस्तों बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो इस मूवी का जो प्रीमियर था वो पंद्रह सितम्बर को रात को आठ बजे हुआ था यानी कि कल हुआ था और अभी ये मूवी दोबारा अभी टी वी आ रही है यानी कि आज रात को आठ बजे यानी कि 16 सितंबर को रात को आठ बजे आप इस फिल्म को दोस्तों टीवी पे देख सकते हैं दोनों ही मतलब आप चाहे आज देखें हो सकता है कि एक और बार भी इसे रिलीज़ कराया जाए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सोनी लिव की तरफ से आने वाली ओरिजिनल मूवी है तो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है तो वो इस मूवी को टेलीकास्ट करते रहेंगे तो आज रात को इस मूवी को आप ज़रूर देखिए आपको दोस्तों ये कैसे लगती है मुझे बताइए फिल्म के लीड कास्ट में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंडी रोहन मेहरा और सरिया धनवंतरी देखने को मिलते हैं और सभी का दोस्तों काम वैसे बहुत ही बढ़िया है लेकिन हमारी नज़र जहाँ जाती है वो है नवाजुद्दीन जो कि पहली बार शायद टीवी पर आ रहे हैं कोई ऐसी फिल्म लेकर जो कि डायरेक्ट टीवी पे आ रही है तो सब लोगों को अलग अलग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो दोस्तों थोड़ी हटके है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दोस्तों इस फिल्म के देखे हैं तो लगभग जो लोग हैं वो इस फिल्म को अच्छा ही बता रहे हैं बस यहाँ पर दुख इस बात का है कि ये मूवी सीधा टी वी आई अगर ये दोस्तों रिलीज़ हो जाती सोनी लीवी पर या फिर ओट के ऊपर तो अच्छा रहता लेकिन खैर फिर फिर भी दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि मूवी के अंदर कहानी किस प्रकार की होती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूत प्रेत आत्मा इन सब में यकीन नहीं करती है उसका मानना ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी होता है नहीं है और हमारा मन का भ्रम है लेकिन अब एक घर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होने लगती है तो फिर वो भी सोच लेती है कि भाई कुछ तो है जो कि यहाँ पर घटित हो रहा है अब इसके बाद वो जो है वो एक आदमी की मदद लेती है यानी कि नवाजुद्दीन की जो कि फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो भूत को भगाते हैं या फिर ऐसा साया जो कि घर के अंदर है उन्हें वो घर से निकालते हैं अब नवाजुद्दीन सिद्दकी आते हैं लेकिन कैसे से वहाँ से वो मतलब भूत को भगाते हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखने को मिलता है और शबिर खान का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर फ़िल्म के कुछ और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो इसकी सीनेमाटोग्राफ़ी है जो बहुत ही अच्छी है बहुत सी हॉरर मूवीज़ दोस्तों आपने देखी होगी लेकिन ये वाली थोड़ी आपको अलग लगेंगी क्योंकि जैसे कि एक सीन यहाँ पर है जंगल के अंदर एक ही घर है आसपास कुछ है नहीं कुछ नहीं है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि डराने में कामयाबी हो जाते हैं अब शुरुआत के अंदर जब इसका ट्रेलर आता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ किरदार जैसे कि रोहन और सिया का श्रेया का किरदार हमें दिखाई देता है और कहीं वीरान जगह पर जंगल के बीच एक कालीसन घर में वो आयसन मना रहे होते हैं मगर वहाँ श्रेया के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगती है अब जहाँ के लिए पुलिस के बजाय वो जासूस नवाज को बुलाया जाता है अब क्या से नवाज़ वहाँ पर हो रही घटनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या से उस भूत को भगाते हैं वो हमें देखने को मिलेगा और एक टेस्ट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि क्या उस लड़की को सच में पूछ दिखाई दे रहा था या फिर उसे कोई बीमारी थी या फिर उसका मन का खेल है यही जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा और हाँ दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आप इसे बस सोनी के टी चैनल के ऊपर ही देख सकते हैं यानी कि सोनी मैक्स के ऊपर ही और अगर इन फ्यूचर ये मूवी रिलीज़ होती है दोस्तों सोनी लीव पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा लेकिन तब तक के लिए आपको इस फिल्म को टी पर ही देखना पड़ेगा तो जैसे दोस्तों ये मूवी आती है टीवी पर सॉरी यूट्यूब पर या फिर सोनी लिव पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन कब तक ये आएंगी इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है क्योंकि सोनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है तो खैर इस मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे है और इसकी रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं इन्हें यह है, काफ़ी अच्छी लगेंगी ख़ासकर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इनका रोल आपको अच्छा लगेगा हालांकि हम भूतों की कहानी के अंदर यही होता है कि कोई बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि इन सब बातों में यकीन नहीं रखता है और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है फिर इन सब बातों में यकीन करने लगता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे जाहिर सी बात है हर मूवी के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा तो खैर इस मूवी को आप इन्जॉय दोस्तों करिए आपको ये फिल्म कैसी लगती है आप हमें बताइएगा फिलहाल तो ये YouTube पर नहीं आई है लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जो मूवीज़ आएंगी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी उम्मीद है कि मूवी आप आज रात को ज़रूर देखेंगे